स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड करेंगे लॉग ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव। इसके लिए सबसे पहले हम लॉग ए एक्स प्लस बी को y सपोज कर लेते हैं। लॉग ए एक्स प्लस बी को y सपोज कर लिया। अब आपको पता है लॉग इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हम y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर से y1 मिलेगा और log ax plus b का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ax plus b हो जाएगा। फिर ax plus b का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा। अब इस ax plus b को हम न्यूमरेटर में जाएंगे तो a इंटू ax plus b की होल पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब हम y1 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये y2 मिलेगा। राइट हैंड साइड में फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आपका कांस्टेंट है, ax plus b की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम, तो माइनस 1 आगे आएगा। इसमें x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1 वो अप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 आगे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ax plus b की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगी। और ax plus b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, b कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो जो a आपका बाहर आ रहा है वो इस a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से इसको हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे अगेन x के रिस्पेक्ट में, तो y3 मिलेगा। अब माइनस 1 तो आपका कांस्टेंट है, ax plus b का पावर माइनस 2 इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे s की पावर n की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, तो माइनस 2 आगे आएगा आपका और ये हो जाएगा ax plus b की होल पावर माइनस 3। फिर आप ax plus b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, s का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो a जो कांस्टेंट है वो यहां से मिलेगा और a स्क्वायर ये मिलके a क्यूब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब आपने यहाँ पर इसको अगेन डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं एक बार और, तो y4 मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये माइनस 1 और माइनस 2 आपका कांस्टेंट है, a क्यूब भी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा, केवल ax plus b की पावर माइनस 3 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस 3 आगे आएगा और ax plus b की पावर माइनस 4 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ax plus b का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, s का डिफरेंशिएशन 1 होगा और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो जो यहां से a आएगा और ये a क्यूब मिलके a की पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर जब हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये माइनस 1 आ रहा है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन में माइनस 1 माइनस 2 आ रहा है, 4 टाइम डिफरेंशिएशन में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ रहा है, तो जब सिमिलरली हम n टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस टाइम n माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर y1 में a की पावर 1 है 1 टाइम डिफरेंशिएट करने पर, 2 टाइम डिफरेंशिएट करने पर a की पावर 2 है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन में a की पावर 3 है, 4 टाइम डिफरेंशिएशन में a की पावर 4 है, तो n टाइम डिफरेंशिएशन में a की पावर n हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 1 टाइम डिफरेंशिएशन में ax plus b की होल पावर माइनस 1 है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने पर पावर माइनस 2 आ रही है, 3 टाइम में माइनस 3 आ रही है, 4 टाइम में माइनस 4 आ रही है, तो n टाइम में माइनस n आएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू माइनस टाइम्स एंड माइनस 1, तो ये माइनस यहां पर कितनी बार है आप देख सकते हैं, ये माइनस n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम सब में से माइनस को निकाल लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक और a की पावर n और ax प्लस b की होल पावर माइनस n। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर अप टू n माइनस 1 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इसको फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा जाएगा, तो हो जाएगा माइनस n की पावर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू a की पावर n इंटू ax प्लस b की होल पावर माइनस n। ये आपका nth डेरिवेटिव निकल रहा है। इसको मैं लिख सकते हैं log ax प्लस बी का जो nth डेरिवेटिव है
वो माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू ए की पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस एन लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लॉग ए एक्स प्लस बी का एन एथ डेरिवेटिव मिल गया। अब इसी फार्मूले में अगर आप a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स मिलके x बनेगा, उसमें जब 0 ऐड करेंगे तो x आएगा, इसलिए लॉग इसका डेरिवेटिव भी आपको मिल जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम इधर पुट करते हैं a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 0, ये पुट करने पर ये बनेगा dn log x बराबर इधर हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, और जब a के प्लेस पे 1 रखेंगे 1 की पावर n 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा s की पावर माइनस n, क्योंकि a के प्लेस पे 1 रखने पर 1 इंटू एक्स एक्स रहेगा और b के प्लेस पे 0 तो x प्लस 0 एक्स होगा। तो log s का जो n डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस n। थैंक यू।